इंद्राणी जी, हमें बताइए कि ये जो सीबीआई की तरफ से नई बात सामने आई है कि जो रिमेन्स थे शीना की बॉडी के जो प्रिजर्व किए गए थे वो नहीं मिल रहे, किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? ये केस पहले दिन से ही एक बेबुनियाद केस थे, ये एक षड्यंत्र था। मैं पहले दिन से ये बता रही थी, ये एक षड्यंत्र था मुझे फ्रेम करने के लिए। लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि एक दो बैग्स ऑफ बोन्स ऐसे गायब नहीं हो सकते हैं, दैट टू फ्रॉम सीबीआई कस्टडी। तो ये मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि इतना बड़ा लैप्स एक हो सकता है इतनी बड़ी एजेंसी के थ्रू। तो मुझे लगता है कि ये जो इनके जो दावा थे, जो खार पुलिस के उस टाइम में जो जो कॉप्स है राकेश मारिया के ये में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस टाइम में, ये कभी मरामत हुए नहीं थे, ये कभी बोन्स थे ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे डिसअपियर तो नहीं हो सकते। तो ये एक जो कहानी था, तो कहानी को अभी सच्चाई में तो बदल नहीं सकते हैं। तो अभी जब ये अपने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है डॉक्टर ज़ेबा खान को जब अभी विटनेस बॉक्स में लाया गया है, अभी ऑब्वियसली उनको सारे कुछ कन्फ्रंट करना है विथ द आर्टिकल्स विच इज़ जो ये बोन्स थे। तो अभी जब ये आर्टिकल सामने लाने का टाइम आया, तो ये तो आर्टिकल्स कभी थे ही नहीं, कभी मिले ही नहीं थे ये बोन्स, तो कहाँ से ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इससे एक चीज़ बहुत क्लियरली साबित हो रहा है कि ये इसके पीछे ये जो केस बनाए गए थे, ये केस के पीछे बहुत कुछ एक बड़ा राज है। ये राज क्या है हमें नहीं मालूम है, और ये राज के पीछे कौन है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक दो चैनल से अभी जो पहले इंटरव्यूज दिए थे, मैंने बोले हैं कि जैसे राहुल मुखर्जी ने जो दावा किया था कि उन्होंने जब शीना मिसिंग थे 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन में गए थे, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं है, ना ही मुंबई पुलिस ने कभी सबूत लाया, ना ही सीबीआई ने कभी सबूत लाया कि राहुल मुखर्जी कभी वो पुलिस स्टेशन में कभी गए भी थे कंप्लेन लिखवाने के लिए। तो आई फील कि अभी जो जैसे एविडेंस जैसे जैसे आ रहे हैं, ये लास्ट सीन थियोरी हैज मूव टू राहुल मुखर्जी, क्योंकि ये तो साबित हो चुके हैं कोर्ट में कि शीना कॉन्टैक्ट में थी राहुल के सितंबर 2012 तक, राइट? और इनके जो दावा प्रोसिक्यूशन का जो केस है 2012 में उनके साथ शीना तब से मिसिंग है, लेकिन अभी क्लियर है वो चीज़ क्लैरिफाई हो गए। तो राहुल मुखर्जी अगर 3 पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे कंप्लेन लिखे, तो वो सब कागज कहाँ है? और राहुल मुखर्जी को पुलिस ने क्यों उस टाइम में हर ये 3 पुलिस स्टेशन में लेके नहीं गए थे पूछने के लिए, या आज तक कोई क्यों सबूत नहीं दे पाए? ऐसा तो नहीं होता कि एक पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड गायब हो सकता, 3 पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड गायब है, इट इज इम्पॉसिबल। और आज आप बोल रहे हैं कि जो स्केलेटल रिमेन्स आपको 2012 में मिले थे, जिसके बुनियाद में आपने ये केस बनाया, वो मिसिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? रिमेन्स का आपके साथ डीएनए मैच भी कराया गया था, और वो मैच आया था ऐसे भी एविडेंस कोर्ट में साबित किया गया। नहीं, ये जो रिमेन्स है इसका कभी डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो 2-3 अलग अलग रिमेन्स मिले, कभी बोल रहे 2012 में मिले, कभी 2015 में मिले। तो इसमें जो 2015 में जो बोल रहे थे कि एक स्केलेटन मिला था, उसका रिमेन्स का साथ डीएनए टेस्ट किया, अभी वो जो डीएनए टेस्ट हुआ था वो भी डीएनए एक्सपर्ट आके बोल के गए कि नहीं, मैंने एक्चुअली अपना हैंडराइटिंग में सारे कुछ चेंज किए। डीएनए रिपोर्ट तो प्रिंटेड आता है, कभी उसको हैंडराइटिंग में नहीं प्रोड्यूस। वही तो, ये तो पहले बार है, पहले केस है जिसमें हैंडराइटिंग में काट कूट के उन्होंने इलेक्ट्रोफेरोग्राम में, एक नहीं दो दो इलेक्ट्रोफेरोग्राम में काट कूट के उन्होंने रिपोर्ट बनाया है हाथ से, और उन्होंने ये कबूल कर चुका है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डीएनए एक्सपर्ट है, और ये जो डीएनए एक्सपर्ट है मिस्टर लाडे, इनके ऊपर ऑलरेडी 2 केस है जो उन्होंने झूठा ये रिपोर्ट बनाया बोल के, और हमारे पास जो जब कोर्ट में डिपोज करने आए थे वो ऑलरेडी सस्पेंडेड थे। अभी पता नहीं वो सस्पेंशन अभी भी उनका है नहीं है, मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है क्या है,
लेकिन इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन में लेके पूछना ज़रूरी है कि भाई आपको झूठा रिपोर्ट बनाने किसने बोला था, पहले बात वो है। दूसरे, आई फील वेरी स्ट्रांगली नाउ दैट इट इज़ टाइम दैट, और ये सब जो केस गिरते जा रहा है, ये हम लोग के डिफेंस के तरफ से कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं हो रहा है। ये प्रोसिक्यूशन के विटनेस खुद आके केस गिरा रहे हैं। ये प्रोसिक्यूशन आज खुद एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो 2012 में एक इतने बड़े एविडेंस उनका वहाँ से गायब है। तो आई थिंक ऑल दीज पीपल नीड टू बी आस्क दीज, यू नो, आई थिंक राहुल मुखर्जी डेफिनेटली नीड्स टू बी क्वेश्चन्ड, एंड आई फील ये कस्टोडियल इंटरोगेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सच्चाई तक, क्योंकि ये पहले शीना कहाँ है ये पूछना ज़रूरी है। ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल राहुल मुखर्जी को पूछना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जिनके साथ, आप तो बोल रहे थे कि आप शादीशुदा है उनके साथ, आपके सगाई हो चुके हैं, तो आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि आपके कोई पुलिस स्टेशन ने किसी के बिल्ली खो गए तो वो उसका रिपोर्ट लिखाते हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके मंगेतर खो गए, पुलिस वाले आपके रिपोर्ट नहीं लिखा है, ऐसे आप ये मान सकते हैं क्या ये बात? आपके मंगेतर खो चुके हैं आप, और आपके कोई पुलिस स्टेशन ने आपने, और उस टाइम में हमें क्यों नहीं बोला उसने कि भाई कोई पुलिस स्टेशन मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा रहा है? हम तो खुद बोल रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए, तुम क्यों नहीं आए उस टाइम में? टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो रहा है यहाँ पे? 100% इट इज टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, और देर इज नो एविडेंस, इट वॉज ऑल फॉल्स पेपर ट्रेल। एंड ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका हकीकत क्या है, ये मेरे साथ ये सब क्यों किया गया था। आज मुद्दा वो खड़ी हो चुकी है, ये मुद्दा नहीं है कि भाई कि यू नो प्रोसिक्यूशन का केस किया है, प्रोसिक्यूशन के केस खत्म हो चुके हैं, ये आपको भी मालूम है। और ये बात मैं नहीं बोल रही, आज मीडिया ये सवाल कर रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये जनता सवाल कर रहे हैं। और जो मेरे साथ जो मीडिया ट्रायल बिना वजूद, बिना वजह, बिना कोई ये सब एविडेंस रहते हुए मेरा साथ मीडिया ट्रायल हुए, आज मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुके हैं ये सब सवाल खड़े करने के लिए और बोलने के लिए कि भाई ये लड़की गायब है, ये तीन महिलाओं के साथ, मैं, मेरी छोटी बेटी, मेरी बड़ी बेटी विधि के साथ भी बहुत अन्याय हो चुके हैं। तो आप लोग सच्ची में, अगर सच्चे दिल से आप लोग जर्नलिज्म कर रहे हो, ये अभी सवाल खड़े करने का टाइम आ गया कि हम तीन महिलाओं के साथ ये क्यों किया गया था, हमने किसका क्या बिगाड़ा था। 2012 की घटना थी, 2015 में सामने आई, 6.5 साल तक आपको जेल में रहना पड़ा, सबसे आखिर में आपको बेल मिला। जी, सबसे आखिर में मिला, और आज बोल रहे हो सबूत ही नहीं है ये। आई मीन इट इज नॉट इवन अ जोक, ये हमारी जिंदगियों के साथ खेला गया है। मेरी जो विधि, छोटी वाली लड़की 18 साल की भी नहीं हुई थी जिस दिन मुझे हिरासत में लिया गया। तो हम लोगों ने किसी का, वो बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था, शीना ने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो ये पॉलिटिकल मोटिव है, पर्सनल मोटिव है, किसी को पैसे चाहिए था मांग लेते थे, हम सब कुछ दे देते थे, हमारे इतने, हम तो जेल में भी रहे ना 4 जोड़े कपड़े रह के, और मैं जिंदा हूँ आज भी, मैं आपसे यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ। और लोगों को, मैंने, लोग कभी शायद सोचे भी नहीं थे कि मैं जिंदा बाहर आऊँगी, लेकिन मैं हूँ। क्योंकि आप भले जितना ही कोशिश करें, सच्चाई छुप नहीं सकते हैं, और ये सच्चाई आज मुझे सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे, आप लोग मेरी निंदा कर रहे थे, आज आप लोग ये सच्चाई सामने ला रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस बात को लेकर चुप नहीं रहे, आप लोग चुप आज नहीं बैठे हैं, अब उतने ही जोश से आज ये भी आप फॉलोअप कर रहे हैं। और मेरी विनती यही है मीडिया वालों से या जनता से भी कि इसके, यू नो, वी हैव टू गो टू द बॉटम ऑफ दिस कि हमारे साथ ये क्यों हुए, हमारे साथ क्यों हुए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सब हम मानते हैं, लेकिन तीन औरत के साथ बहुत गलत हो चुके हैं। और आज मुझे न्याय चाहिए, मेरे लिए, मेरी दोनों बेटियों के लिए मुझे न्याय चाहिए। आज 23 में पिछले साल भी एक कोर्ट में वाकया सामने आया था कि किसी ने शीना को एयरपोर्ट पे देखा,
क्या आप अभी भी मानते हैं कि शीना कहीं जिंदा है? सी, मैं ये चाहती हूँ कि शीना जिंदा है, मैं ये चाहती हूँ, एक माँ हूँ मैं, दिल मेरा यही चाहते हैं ऑब्वियसली। लेकिन और आज अभी जो ये नया जो सीबीआई ने स्टेटमेंट आके दे दिया कि वो रिमेन्स मिल ही नहीं रहा है, तो अभी या तो वो कभी भी शीना के रिमेन्स था ही नहीं, वो किसी और के थे, या वो रिमेन्स थे ही नहीं। तो ये मेरा चीज़ जो मेरा शक था धीरे धीरे ये यकीन में बदली हो रहा है। लेकिन मैं ये दावा के साथ नहीं कह सकती हूँ कि शीना जिंदा है कि नहीं है, या वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद से मेरी बच्ची से नहीं मिलूँ या मैं खुद से नहीं देखूँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा उसको, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो है या नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि ये कहीं जिंदा है, लेकिन मेरी उम्मीद सच्ची अगर बोल रहे हैं कि जितना मैं अपना भी खोज कर रही हूँ वो तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, मेरी उम्मीद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं ये भी आपको पहले बारे में ये बात बता रही हूँ कि वो जिंदा है, वो उम्मीद धीरे धीरे मेरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे शक जो पहले दिन से ही राहुल मुखर्जी के ऊपर शक थे, वो मेरे बढ़ते जा रहा है। और मैं ये मांग उस टाइम में भी किया था और मैं ये मांग करूँगी कि उसके कस्टोडियल इंटरोगेशन होना ज़रूरी नहीं, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि आज अगर आप ये बोल रहे हो कि दो 2012 के ये है ही नहीं, उसके बाद अगर उसका मैंने उसके कि 2012 सितंबर में अगर शीना जिंदा थी, और अभी अगर आप 2015 में मान लो आपको स्केलेटन भी मिला, उसके बाद कुछ हुआ है, तो मैं तो इस देश में थी ही नहीं तब, तो ये तो राहुल मुखर्जी लास्ट सीन है। तो आप उसको कस्टोडियल इंटरोगेशन करो, क्योंकि आज तक राहुल मुखर्जी ये साबित नहीं कर पा रहा है कि उसने सच्ची में कहीं भी पुलिस कंप्लेंट लिखाया, ये उसने साबित नहीं कर पाए, ना राहुल मुखर्जी साबित कर पा रहे हैं, ना प्रोसिक्यूशन साबित कर पा रहे हैं। आप जो शीना की गाड़ी थे वो आप एयरपोर्ट में छोड़ के जा रहे हो, वैसे ही आप भागे हो एयरपोर्ट में छोड़ के, क्यों, क्या हुआ शीना के साथ, क्या हुआ? आप या तो शीना के जो गाड़ी थे वो आप या तो हमें आके लौटाते कि भाई शीना नहीं मिल रहा है उसकी गाड़ी है, या तो आप पुलिस के पास जाते कि शीना नहीं है ये गाड़ी, या तो हमने पूछा भी था, तो आप एयरपोर्ट में छोड़ के आप भाग रहे हो, और 6 महीने बाद हमारे इधर एयरपोर्ट अथॉरिटीज आए कि ये गाड़ी मिले है। वॉट इज दिस? और फिर वो गाड़ी जो अपने पीटर मुखर्जी के जो पुराने ड्राइवर है प्रशांत चक्रवर्ती के उधर भेजा गया दुर्गापुर में, जो अभी पता नहीं वो गाड़ी कहाँ है नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्यों जांच नहीं हुए? आप क्यों ये सब दबा के रखे थे? आज मैं ये सब बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शीना है या नहीं है ये पता करना है, दो इंसान को हिरासत में लेना बहुत ज़रूरी है, एक राहुल मुखर्जी, दूसरा वो डीएनए एक्सपर्ट, क्योंकि डीएनए एक्सपर्ट को बोलना पड़ेगा कि उसको झूठा रिपोर्ट बनाने किसने बोला था, और ये राकेश मारिया के रेजिम में हुए थे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। फैमिली में आप सिर्फ राहुल को ही जिम्मेदार मानते हैं या और भी कोई उसके साथ मिले हुए? देखिए अभी जो मैं वो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये राहुल मुखर्जी ने कुछ किया है तो ये भी हो सकता है कि राहुल मुखर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ मेरे साथ हुआ है। ये भी, ये बात मैंने अभी, अब जो मुझे पूछ रहे हो ये पहली बार मेरे ये चीज़ दिमाग में आए कि हो सकता है, क्योंकि ये आप बहुत एक नया थ्रेड अपने निकाला है कि हो सकता है कि कुछ राहुल मुखर्जी के साथ रहते रहते शीना को कुछ हुआ, और राहुल मुखर्जी को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली धीरे धीरे ये सवाल हमेशा के लिए, हाँ एक टाइम था जब 2.5 साल 3 साल के लिए शीना मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं थे, तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है ये सवाल मैं भी खड़ा करने शुरू कर देती थी कि भाई कहाँ है, कि ठीक है गुस्सा है बात नहीं कर रहे, लेकिन हमेशा के लिए इंसान तो धरती से तो गायब नहीं हो जा सकता है ना हमेशा के लिए, तो ये सवाल उठने के पहले शायद ये चीज़ कि भाई इसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि ये माँ है, कभी ना कभी तो खोजेगी, कभी ना कभी ये तो ये तक जाएगी कि भाई कहाँ है लड़की, तो ये चीज़ होने के पहले ही इसको
दबाया गया और इसके ऑब्वियसली मेरे ऊपर डाल दिया गया। और ये चीज आप पहले ये क्वेश्चन पूछ के आपने बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछे, और आई थिंक वी शुड लुक एट दिस एंगल ऑल्सो कि राहुल को बचाने के लिए, भाई मुझे कभी माँ बाप बच्चों के बच्चों को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है। सवाल, आपने कोर्ट में एप्लीकेशन भी किया है कि ये ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए क्योंकि काफी 12 साल हो गए इस इंसिडेंट। नहीं, ये तो मैंने बोला था, लेकिन अभी मेरा स्टैंड एक अलग ही है। ट्रायल तो एक साइड में है, बट ये क्यों हुआ, ये सब चीजें जो हुआ, ट्रायल एक छोड़ दीजिए, ट्रायल एक अलग है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाना बहुत जरूरी है। लाइक आई सेड कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों हमारे साथ ये किया गया है, ये पूछना बहुत जरूरी है। और क्यों राहुल मुखर्जी को क्यों कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं किया, वहां पे तो उस दिन बहुत लोग थे बॉम्बे में। तो सीबीआई की जांच से संतुष्ट हैं आप इस पॉइंट पे? देखिए, मैं दो चीजें बोलने जा रही हूँ। एक तो मैं सोचती हूँ कि ये अगर केस सीबीआई को नहीं जाते, पीटर मुखर्जी कभी अरेस्ट नहीं होते, बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट दिस इन्वेस्टिगेशन, राकेश मारिया वॉज अपॉइंटेड और इंस्ट्रक्टेड बाय समबडी टू अरेस्ट मी, ये आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट। ओके, और ये कहानियाँ चेंज होते भी गया, अलग अलग वर्जन, सब इसमें इतने मल्टीपल वर्जन है मैं कि खुद ही कन्फ्यूज हूँ कि भाई क्या हुआ क्या। लेकिन आज अगर ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई तक नहीं जाते, पीटर मुखर्जी का अरेस्ट नहीं होता था, और आई थिंक इट वॉज इन द राइट ट्रैक एट दैट पॉइंट। लेकिन मैं ये बात की संतोष मुझे नहीं है कि सीबीआई ने राहुल मुखर्जी को कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं किया, लाडे को कस्टोडियल, ये राहुल मुखर्जी का कस्टोडियल इंटरोगेशन वॉज अ मस्ट एंड ये अभी भी करना चाहिए। और ये तो आई डोंट नो व्हाट टू से, अभी हु इज गोइंग टू बेल द कैट, इट इज दैट, अभी कौन किसको, जो रक्षक ही भक्षक है, तो आप अभी क्या बोल सकते हैं हम। मेरे लिए तो यही हो गया ना, मैं इंडियन सिटीजन भी नहीं हूँ, मैं यहाँ घूमने आई थी उस टाइम में और सडनली ये सब हुआ, तो रक्षक भक्षक है, तो अभी हम किसके ऊपर ये करें, किसके ऊपर हम फेथ रखे कि भाई सही तरीका से एक जज हो। मुझे तो ये सिस्टम पे ही भरोसा उठ गए है, जुडिशियरी पे भरोसा नहीं उठे है, बिकॉज आई एम वेरी थैंकफुल आज अगर यू नो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठ के मैं लड़ पा रही हूँ अपने हक के लिए, मेरे बच्चों के हक के लिए, कि बच्चों के साथ मेरे जो अन्याय हुए, मेरे साथ जो अन्याय हुए है, उसके लिए मैं लड़ पा रही हूँ। क्योंकि मेरी तो आवाज़ ही बंद कर दिए थे, और आवाज़ इसीलिए बंद किए थे क्योंकि उनको डर थे कि मैं लड़ूंगी, इसीलिए उनको डर थे। तो एनीवे, सो दिस इज इट।